अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम लोगों ने 5.4 को शुरू करना है। इसमें हम लोगों हमारे पास फैक्टर थ्योरम है जिसको हम प्रोसीड करेंगे। देखते हैं हम लोग, लेकिन पहले आप लोग कैलकुलेटर्स पकड़ लें। सबसे पहले क्वेश्चन है, इसको हमने सपोज किया कि ये पी ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हमने एक्स के अपने पास से मुख्तलिफ वैल्यूज़ को लेना है, ठीक है। वो -1 से शुरू होंगी, +1, फिर -2, +2, ये लेते लेते आपने 5 तक जाना है कम अज़ कम, ठीक है। तीन आपके पास फैक्टर्स बनने चाहिए, यानी एक्स की तीन वैल्यूज़ आप लोग लें, ऐसी वैल्यूज़ कि आपका आंसर 0 आ सके। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और उस पर किस तरह से काम करना है। 2 आगे आपने यहाँ पे जिस तरह से आप 1 की बात कर रहे हो, 1 का आपने क्या लिया, क्यूब लिया, प्लस फिर आगे ब्रैकेट डाली 1 का स्क्वायर, -2 × 1 -1। कैलकुलेटर पर ठीक इसी तरह से आपने ये सारी एक्सप्रेशन नोट करनी है, ठीक है। ये पावर का मसला है तो पावर के लिए आपके पास ये बटन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। या फिर कुछ में हमारे पास कुछ कैलकुलेटर में इस तरह का बटन यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। आपने वो प्रेस करके तो आगे से आपने जो भी पावर है वो पुट कर देनी है, ठीक है। ये दो हमारे पास पावर के बटन्स थे। अब हमने इस पर चेक किया, जब चेक किया तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 1। ये तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, मैं आपको इस तरह से दे रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं कैलकुलेटर अपना वहाँ छोड़ रही हूँ। और जब हम इसको देखेंगे 2 + 1 - 2 - 1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 - 2 कैंसिल, फिर आगे हमारे पास आएगा 1 और -1 भी कैंसिल, तो 0 आंसर, ठीक है। यानी आंसर 0 जब आ गया, या आप जब इक्वल एकदम से ये सारी लिख के इक्वल का बटन प्रेस करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। मतलब आपने फिर आपने 1 की वैल्यू को फैक्टर बना लेना है, वो हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह से 1 और -1 किया, फिर 2 - 2 किया, और इस तरह से मुख्तलिफ करते गए। मैंने ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लिया है, ये 8वां और 7वां सवाल है, ये थोड़े से समझ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो एक्स क्यूब है, इसके साथ जो कोफिशेंट है वो है 2, और पिछले क्वेश्चन में मैं चेक कर रही थी वहाँ पे है 3। तो वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या लेना है, ये वाली जो चीज़ है 2x, ठीक है। 2x जोन सा है, इसमें हम लोगों ने +1 करके तो चेक करना है, 2x + 1 = 0, x = -1/2, ये वैल्यू। इसी तरह से जब हमारे पास यहाँ पे 3x होगा तो हम लोगों ने 3x + 1 चेक करके = 0, तो -1/3 होगा। माइनस वो पॉजिटिव का होगा, हमारे पास 2x - 1 = 0, तो x = 1/2, ठीक है। ये आपने ये वाली वैल्यूज़ को भी सेम इसी तरह से पुट करना है जिस तरह से मैंने ये किया। अब 1 ओवर की फॉर्म है तो वो आपको पता है a/b कुछ इस तरह की वैल्यू आपके कैलकुलेटर पे लिखी होती है। आपने वो वाला बटन शिफ्ट प्रेस करना है, ऊपर अलग भी वैल्यू लिखनी है, फिर आपने आपके कैलकुलेटर पे हमारे पास एक इस तरह का स्क्वायर बना होता है, वहाँ पे ये मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये वाला प्रेस करना है कि नीचे आप शिफ्ट हो रहे हैं, और फिर ये बी वाला प्रेस करना है। अब मैं आपके पास नहीं आ सकती, वरना मैं आपको ये करके बता देती। यहाँ पे अब हम लोगों ने इस आगे मैं शुरू करती हूँ कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को करना है। हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को पुट किया तो ये हमारे पास 0 आ गया, फिर एक्स 1 लिया तब चेक किया 0 आ गया। तो हम लोगों ने नीचे जो लिखना है x - (dis), तो यानी x + 1 फैक्टर है पी ऑफ एक्स का। इसी तरह से x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अब आगे हम लोगों ने जो करना है वो है x = ये वाली चीज़। हम लोगों ने 1/2 से भी चेक किया और ये भी किया, इनमें से जो चीज़ 0 ला रही थी वो ये थी -1/2। मैंने ये फिर पुट करके तो ये आंसर ले आई, ठीक है। अब फैक्टर्स निकाल लें तो पी ऑफ एक्स के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये 3, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाएंगे। इसको मैंने इस फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा 2x + 1, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। गर्ल्स, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। इसमें सारा मेथड तो आपने वो पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नया काम किया है, आपने ये फैक्टर्स ढूंढने हैं। वो आप लोग अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो जिस तरह से मैंने किया रफ़ वर्क पे ढूंढो, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन को इतना टाइम दो। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और अपने कैलकुलेशन स्किल्स को हाई करना है, यानी स्पीड ज़्यादा करनी है ताकि आप इजीली इन फैक्टर्स को ढूंढ सको, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।